एंजाइटी का एक कॉमन टर्म है जो किसी भी तरह का दर्द जो कि आपके रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से से होते हुए कूल्हे से होते हुए पैर के तरफ से आपके पैर की उंगलियों तक जाता है, उसको हम शायटिका बोलते हैं। ये बेसिकली आपके रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से में जो कूल्हे वाले रीजन में ओरिजिनेट करता है, वहाँ से पनपता है, फिर आपके कूल्हे के थ्रू होते हुए एक पैर जांघ और नीचे तलवे तक जाता है। ज़्यादातर समय ये एक तरफ ही होता है, शरीर के एक ही हिस्से में होता है, बट कुछ रेयर केसेस में ये दोनों तरफ हो सकता है। दूसरा है, आप जब बैठते हैं तो ये पेन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, ये पेन और बहुत ज़्यादा, ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जलन का सेंसेशन, आपको जलन होता है पैर या कूल्हे के रीजन में, या टिंगलिंग सेंसेशन होता है आपके कूल्हे और पैर वाले रीजन में। फिर ये सेंसेशन भी या तो एक पैर में होगा या बहुत रेयर केस में दोनों पैर में भी हो सकता है। कई बार शायटिका पेन में जिस साइड में ये होता है उस साइड में एक नमनेस आ जाती है, आपको सेंसेशन महसूस नहीं होता, उस पैर में आपको कमजोरी महसूस होगा, ये शायटिका पेन के लक्षण है। जो डिस्क प्रोलैप्स है वो सबसे ज्यादा, स्लिप डिस्क जिसको हम बोलते हैं, स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन कॉज है शायटिका का। दूसरे जो कॉजेज हैं वो है लंबार कैनाल स्टेनोसिस, जो स्पाइनल कनाल होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके निचले हिस्से में वो रास्ता छोटा पड़ जाता है, उसके चलते भी ये शायटिका का पेन बहुत कॉमनली होता है। शायटिका का पेन डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज एक डिसऑर्डर होता है, उसके चलते भी होता है, स्पोंडाइलोलिस्थेसिस के चलते भी होता है। दूसरे जो कॉजेज होते हैं वो प्रेगनेंसी में कई बार शायटिका का पेन पाया जाता है कॉमनली, जो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, थोड़े दिनों में वो खत्म हो जाता है। एक्सेसिव मोटापे के चलते ये पाया जाता है, जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है उनमें पाया जाता है। कई बार आपको जो ट्रॉमा होता है, अगर रीढ़ की हड्डी में कभी नीचे के तरफ आपको चोट लगा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या बहुत ही रेयर केस में स्पाइनल कैनाल या रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर होता है जिसके चलते कंप्रेशन दबाव या इन्फ्लेमेशन होता है नर्व का, उसके चलते भी शायटिका का पेन हो सकता है। काफ़ी हाई हील पहनते हैं उनमें शायटिका का पेन होना कॉमन है। जो लोग बहुत ही सॉफ्ट गद्दे पे सोते हैं उनमें भी शायटिका का पेन कॉमनली पाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन है जो इसमें हेल्प कर सकते हैं वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआईज, और फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज, नर्व स्टिमुलेशन या नर्व कंडक्शन स्टडीज से भी शायटिका का पता चल सकता है। इन्फ्लेमेशन कम कर दें तो शायटिका का पेन कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ ड्रग्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन या क्रोसिन, इस तरह के हम ड्रग देते हैं। ओरल स्टेरॉयड भी कई बार जो कंप्रेशन होता है, जो दबाव होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। फिजियोथेरेपी और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करते हैं शायटिक नर्व पेन को रिलीव करने में। लास्ट मोडालिटी है सर्जरी। बहुत ही रेयरली किसी शायटिका के मरीज को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।